ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान कासमी। किसी इतारों के मोहताज नहीं है, बहुत से अमेजोन के सर्कल में बहुत सारे अमेजोन के सर्कल्स और बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑलरेडी जानते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं अमेजोन प्राइवेट लेबल ब्रांड बिल्डिंग में। मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ काम किया, बहुत सारे ब्रांड्स डेवलप किए, इस्टेब्लिश किए, 120 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं माशाल्लाह। इनका पोर्टफोलियो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने खुद भी देखा है इनका पोर्टफोलियो, सो नो डाउट। बाकी इनका इंट्रोडक्शन इनसे ही लेते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से देना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम मिराज, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू मिराज आपने इंट्रोडक्शन के लिए। बट बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा अपने बारे में कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और किस तरह मैं अमेजोन वगैरह पे इस फील्ड में आया। तो 2016 से मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो शुरू में फेसबुक एड्स और गूगल एड्स की तरफ से वहाँ से स्टार्ट की मैंने चीज़ें। देन फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, देखा मार्केट में अमेजोन प्राइवेट लेवल की चीज़ें चल रही हैं, कोर्सेज चल रहे हैं। तो हमारी कंपनी, जिस कंपनी में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, उन्होंने हमें अमेजोन के कोर्सेज करवाए, प्राइवेट लेवल के कोर्सेज करवाए। तो वहाँ से अमेजोन की बेसिकली जर्नी स्टार्ट हुई 2016 से, और फिर तो वहाँ से अब तक जो है अपनी 2021 है, तो 4 to 5 years हो गए मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से ही कंसिस्टेंट जो है अमेजोन के ऊपर काम करें, तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस भी देखी है, फेलियर्स भी देखे हैं बहुत, बट उससे सीखा बहुत है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्पेशली अमेजोन प्राइवेट लेवल बिजनेस में आपको आपको सक्सेस और फेलियर्स अगर दोनों ही हो तो आपका एक्सपोजर और ज़्यादा बढ़ जाता है। किन चीज़ों से आपने बचना है और कौन कौन से इनिशिएटिव्स आपने लेने हैं, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे सिनेरियोस पता चल जाते हैं। तो एक्सपीरियंस से यही है कि बहुत कुछ सीखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब अपनी खुद अपनी एजेंसी रन कर रहा और मल्टीपल क्लाइंट्स सब जी जी पहुँच माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे पता है। प्राइवेट लेवल्स भी हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। तो उस्मान भाई, अगर हम और ऑडियंस भी ये जानना चाहे कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कि अमेज़न आपने किससे सीखा, आपने पाकिस्तान में किससे सीखा, कहाँ से सीखा, कैसे स्टार्ट किया आपने, कि अब मेजॉरिटी जो है यहाँ पे उन्होंने तो पाकिस्तान में ही, आपके सामने कुछ ही बड़ी रिनोन कंपनीज हैं जिनके नाम आते हैं कि हर किसी ने कहीं ना कहीं उनसे उनका बैकग्राउंड मिल रहा होता है। तो आपका कुछ क्या, किससे सीखा आपने और फिर किन किन कंपनीज के साथ काम किया? ओके, इनिशियली मेरा स्टार्ट जो था वो एक यूएस बेस्ड कंपनी थी, तो मैंने अपना करियर वहाँ से स्टार्ट किया। तो उन्होंने ही हमारे लिए जो है कोर्सेज जो है हमारे लिए बाय किए, उस टाइम पे जो 7 figure 8 figure सेलर्स कोर्सेज थे उन्होंने वो बाय किए, और उन्होंने ही हमें वहाँ पे लर्निंग वहाँ दी। तो 2016 में उन्होंने कोर्सेज थे कुछ, तो मैंने वहीं से मैंने अपनी अमेजोन की लर्निंग स्टार्ट की। तो बहुत ही डिटेल्ड कोर्सेज थे वो, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब के स्टार्टिंग करियर में इतनी ज़बरदस्त चीज़ें सीखने को मिली, तो जो अब जाके बहुत ज़्यादा अब तक जाके बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़ायदे देती हैं। तो जो कंपनी थी, जैसे मैं बताया कि जिस कंपनी के थ्रू मैं काम करता था, उन्होंने ही हमें जो है चीज़ों पे ट्रेन करवाया, कोर्सेज बाय करवा के, और वहीं से मैंने उनके लिए भी कोर्सेज सीख के फिर देन वहाँ पे उनके लिए प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। वहाँ से मैंने उनके साथ 2 साल काम किया, 2018 में मैंने उनको छोड़ा, और तो उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में मेरी पाकिस्तान में भी एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी के साथ जो वहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वहाँ पे काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया, फ्रीलांसिंग पे काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपोजर अमेज़न का। माशाल्लाह माशाल्लाह उस्मान भाई, खैर वो कंपनी तो मेजॉरिटी हम जानते हैं कि आपने किसके साथ काम किया। अच्छा उस्मान भाई, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक भी है कि द राइट वे टू स्टार्ट अमेज़न प्राइवेट लेबल ब्रांड बिल्डिंग, तो इसमें बहुत सारी रॉन्ग अप्रोचेस है जिसके तरीके से हम लोग यहाँ पे काम हो रहा है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और बहुत ही रॉन्ग अप्रोच हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, आज का हमारा मेन टॉपिक यही है कि एक राइट वे क्या होना चाहिए, एक राइट पाथ क्या है अमेज़न प्राइवेट लेबल ब्रांड बिल्डिंग की, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली कि हम किस तरह से स्टार्ट करें, और मतलब हम लोग क्या गलतियां कर रहे होते हैं और एक राइट वे क्या है उसको स्टार्ट करने का, आप उसको किस तरह से देखते अच्छा। हैं? अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, बट सबसे पहले जो है सबसे पहले हमें देखना चाहिए स्टैट्स, देखने चाहिए कि प्राइवेट लेवल के स्टैट्स क्या हैं। और अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट लेवल में पूरी दुनिया में जो भी लोग काम करते हैं, सक्सेस रेशियो जो है वो कम है और जो फेलियर्स हैं वो ज़्यादा है। बट जो जो टॉपिक भी हमारा जो आपने बिल्कुल सही टॉपिक से स्टार्ट किया, जो हम जब स्टार्ट कर रहे होते हैं अमेज़न प्राइवेट लेवल बिजनेस जब भी स्टार्ट कर रहे होते हैं,
तो अक्सर ज्यादातर जो इश्यूज आते हैं लोगों को, एक तो पेशेंस नहीं होते लोगों में, जल्दी क्विक रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे होते हैं, क्विक अर्निंग के बारे में सोच रहे होते हैं। तो केस स्टडीज की थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमें केस स्टडीज देखनी चाहिए कि जो ऑलरेडी ब्रांड्स हैं, तो हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और जो भी ऑलरेडी स्टेब्लिश ब्रांड्स हैं, तो आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो डेफिनेटली जो उससे ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं और जो अच्छे ऑलरेडी ब्रांड स्टेब्लिश कर चुके हैं, तो उनकी केस स्टडीज आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। तो और पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग करें कि उन्होंने किस तरह स्टार्ट किया था, कौन कौन से प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम लॉन्च किए उन्होंने, एक्सटर्नल ट्रैफिक्स पे क्या काम किया, सोशल मीडिया पे क्या प्रेजेंस है, क्या इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग पे उन्होंने अब स्टार्ट किया या पहले से स्टार्ट करते। तो डेफिनेटली आप पूरा जब रिवर्स इंजीनियरिंग आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता चलता है कि क्या इनका किस पाथ के थ्रू ये गए थे, एंड देन 2 to 3 years में इन्होंने कैसे एक वेल नोन एस्टैब्लिश ब्रांड अमेजोन पे एस्टैब्लिश कर लिया। वो चाहे किसी भी नीच में हो, टेक्सटाइल्स में हो, किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी में हो, फिटनेस कैटेगरीज में हो, ब्यूटी कैटेगरीज में हो, टॉयज कैटेगरीज में हो, तो डेफिनेटली जो अच्छा आपने यहाँ पे जी जी कंप्लीट करें आप। हाँ, तो जो उनमें उन लोगों ने ऑलरेडी अच्छे एस्टैब्लिश ब्रांड्स कर चुके हैं, बेसिकली उनका पाथ क्या था बेसिकली वो देखना इंपॉर्टेंट है, और वो टाइम पीरियड नोट करना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कितने टाइम पे ये सब चीजें अचीव की हैं। तो डेफिनेटली आपके पास एक अंदाजा होता है कि इतना टाइम पीरियड मुझे रिक्वायर्ड है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना रोड मैप क्रिएट करते हैं। सही। अच्छा, आपने यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग की बात की, इस टॉपिक को हम बाद में लेंगे। उससे पहले मुझे एक टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है मेरी नजर में, तो प्रोडक्ट हंटिंग जिसको हम कहते हैं, क्या है एक हमारा ट्रेडिशनल क्राइटेरिया अब सेट हो चुका है जी, एक ट्रेडिशनल क्राइटेरिया है और अप्रूवल में ही लोगों के 9-9 महीने और 1-1 साल लग जाता है। तो यूजुअली मुझे तो वैसे ही चीज समझ में नहीं आती कि एक प्रोडक्ट है जिस पर मैं पैसा लगाने जा रहा हूँ, वो मैं किसी और से उसकी अप्रूवल लूँ। तो आप हमें ऐसे क्या पॉइंट्स सजेस्ट करना चाहेंगे कि यार ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसिडर करें, उसके बाद मुझे उस प्रोडक्ट पे किसी की अप्रूवल की नीड ना हो। मतलब मैं अगर अपना $10,000 या $20,000 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सो व्हाई आई एम टेकिंग परमिशन फ्रॉम समवन एल्स, मतलब मैं वो ऐसे क्या पॉइंट्स हैं कि मैं वो पॉइंट्स देख के खुद डिसीजन लूं कि यार ये वो पॉइंट्स हैं, मुझे पता लग गया, बस अब मैं इसके बाद तो मैं स्टार्ट करता हूं उसको। ओके, देखिए वैसे टॉपिक तो बहुत बड़ा है, एक आंसर में तो इसको जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, बट जो थोड़ी सी जो बेसिक साइंस की मैं वो थोड़ा बताना चाहूंगा कि जब आप प्राइवेट लेवल आप एक पर्टिकुलर हंटिंग क्राइटेरिया के ऊपर आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं, तो आप एक बार याद रखें कि आप सिर्फ अलोन अमेजोन पे काम नहीं कर रहे, आप भी वही टूल्स यूज कर रहे हैं, और वही टूल्स जो है वो ऑलरेडी और मार्केट में भी आपके कंट्री में भी लोग कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में इस तरह की पहुंच, क्योंकि हर ये तो सब बेसिक्स है ना प्रोडक्ट ढूंढने की, कि आप ऐसे प्रोडक्ट ही लॉन्च करना चाहते हैं कि जिसकी इनफ डिमांड हो और कंपटीशन कम हो, तो ये तो एक इनफ एक रूल है कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, ठीक है। बट आपने जो एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज के साथ आप ढूंढते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, बहुत बड़े समंदर से, मतलब समंदर की आप एक छोटे से एरिए में ही आप खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे जो अगर सही वर्ड यूज करने की, तो समंदर और भी बहुत बड़ा है। तो आप डेफिनेटली अपने एक्सपेंड करें अपनी चीज़ों को, डिफरेंट डिफरेंट और चीज़ों की तरफ भी जाएं, और कैटेगरीज की तरफ भी जाएं, और डेफिनेटली मतलब एक लिमिटेड क्राइटेरिया की तरफ नहीं जाएं। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने जितने ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो किए हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो अच्छे हंटेड प्रोडक्ट्स नहीं थे शायद, बट हमने उन पर ऑलरेडी इस पर बहुत अच्छा सेल्स जनरेट की, और उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट किया, प्रॉफिट्स जनरेट किए क्लाइंट्स के लिए। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, मैं तो इसके ऊपर बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के उसके ऊपर जाएँ और वो प्रोडक्ट हंट करें, देन उसके ऊपर बिलीव करेंगे यही चीज़ें वो करेंगे, क्योंकि आप अब मैं देख रहा हूँ कि लोग इस तरह के प्रोडक्ट्स आप करने की कोशिश करें, तो जो या तो मतलब समझे कि अभी वो प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है सेल होना, अभी उसकी थोड़ी सी रिव्यूज थोड़े से हैं, आप कह रहे हो कि नहीं मैं वो उसी प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा, मैं गेटेड कैटेगरीज का डेफिनेटली कि गेटेड कैटेगरीज की तरफ नहीं जाएंगे और नॉर्मल कैटेगरीज की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली मैंने जो सबसे ज्यादा जो जनरेट किया है अमाउंट में आपको बताऊँ वो गेटेड कैटेगरीज से किया है, क्योंकि क्योंकि जितने भी अमेज़न गुरु है जो अमेज़न, लेकिन हमें तो यहाँ पे मना किया जा रहा होता है कि गेटेड कैटेगरीज में नहीं जाना चाहिए और रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं, और तो इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मुझे याद है आप बता रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वही गेटेड प्रोडक्ट था आपका। यस, गेटेड कैटेगरी था, ब्यूटी वे प्रोडक्ट था मेरा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला। कहने का मकसद ये कि देखें कहने का मकसद ये कि आप जब गेटेड कैटेगरीज की तरफ जाते हैं ना, ठीक है, तो सिर्फ पर्टिकुलर लोग नहीं, जितने भी अमेज़न कोर्सेस हैं वो शुरू में सजेस्ट यही करते हैं कि आप गेटेड कैटेगरीज की तरफ ना जाएं। तो आप एक बात को ध्यान में रखेंगे, जितने भी आपके हंटिंग
क्राइटेरियाज और जो आपके अमेज़न से रिलेटेड टूल होते हैं, हीलियम, जंगल स्काउट, क्वारल लॉन्च, जितने भी टूल्स हैं, उसमें जब एक पर्टिकुलर फिक्स क्राइटेरिया पुट करते हैं तो मैक्सिमम जिन्होंने कोर्स एटलीस्ट किया हुआ होता है या जो तो एक पर्टिकुलर चीज पहले फाइंड करने की कोशिश करें पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के ऊपर, तो उनको डेफिनेटली एक जैसी प्रोडक्ट्स ही मिलती हैं, तो डेफिनेटली वो उस मार्केट को जो एक बड़ी मार्केट जो कैप्चर करनी चाहिए उसको भूल जाते हैं। मुझे नहीं समझ आता लोग सप्लीमेंट्स की तरफ क्यों नहीं जाते हैं, लोग ग्रोसरी के गवर्नमेंट फूड्स की कैटेगरीज में क्यों नहीं जाते हैं, लोग टॉयज की कैटेगरीज में क्यों नहीं जाते, लोग ऑटोमोबाइल्स की कैटेगरी में क्यों नहीं जाते, लोग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की तरफ क्यों नहीं जाते। सही सही, ये वाली बात आपको आपकी बिल्कुल ठीक है। पीएल में इस तरफ के प्रोडक्ट्स की तरफ तो जा ही नहीं जा रहा, एक लिमिटेड कैटेगरीज दे दी गई हुई है, उन्हीं में एक जो है इतना बड़ा चंक जो है वो इंटर हो रहा है, तो ऑब्वियसली मार्केट तो वैसे भी सैचुरेट होनी है, बट द पॉइंट स्टिल रिमेन के वो हाँ वो की पॉइंट्स क्या है जिनको हमें मतलब देखना चाहिए, जिसके ऊपर मैं डिसीजन ले सकूं कि यार मेरा ये $15,000 है या मेरा $20,000 है या मेरा $30,000 है, तो मैं अपने किस तरह से प्लानिंग्स करूं, किस तरह से कि यार ये वो कैटेगरी है कि इसमें मुझे स्टार्ट करना चाहिए, एक ही प्रोडक्ट को लेके चलना चाहिए या ब्रांड बिल्डिंग परस्पेक्टिव से लेके चलना चाहिए, मैं जरा ये वाला पॉइंट आपका सुनना चाह रहा था आपसे। ओके, देखिए इनिशियली जो आपको फर्स्ट प्रोडक्ट है ना, आप चाहे कोई भी करें, लेट्स सपोज आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में उठा लिया, तो डेफिनेटली आपके पास प्लान उसके आपके नेक्स्ट आपके जो फोर प्रोडक्ट्स है आपके पास उसका प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट लेवल ब्रांड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो जब तक आपके पास 4 to 5 to 6 प्रोडक्ट्स का आपके पास प्लान नहीं है तो आप अपने पैसे जो हैं आप समझे आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप थोड़े से आपने उस पर रिस्क ज्यादा ले लिया, रिस्क तो है बट आपने थोड़े रिस्क ज्यादा ले लिया, क्योंकि आपने पूरी प्रोजेक्शन आपने बनानी होती है, पूरा रोड मैप तैयार करना होता है कि आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स कौन से लॉन्च करने हैं और किस तरह लॉन्च करना है और किस टाइम के थ्रू आपने लॉन्च करना है। तो मैंने डेफिनेटली बताया कि जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, प्रोडक्ट सिलेक्शन पर और भी बहुत सारी डिटेल में बात करूंगा, बट जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें एक अच्छी क्राइटेरिया तो आपने एक तो पर्टिकुलर एक तो रिवर्स इंजीनियरिंग को ऑलरेडी कैटेगरीज में जो अच्छे एस्टेब्लिश ब्रांड्स ऑलरेडी हैं उनकी केस स्टडीज देखें कि उन्होंने किस तरह लॉन्च किया, फर्स्ट प्रोडक्ट उनका कौन था, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट, फोर्थ प्रोडक्ट उनका कौन सा था, और डेफिनेटली लोगों की नीड्स हैं प्रोडक्ट, सिर्फ आपने हम सिर्फ रेवेन्यू और रिव्यूज के ऊपर सिर्फ आप रिलाय ना करें, लोगों की नीड्स हैं, आप कौन सी लोगों की नीड्स पूरी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड और लोगों को नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या चाहिए। जब ब्रांड बिल्डिंग की बात हो रही है तो आपने एक ही नीश में मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, ऐसा नहीं हो सकता आपने आज स्पोर्ट्स कैटेगरी में ढूंढा, सेकंड प्रोडक्ट आपने ब्यूटी कैटेगरी में ढूंढा, ये डिजास्टर है, आप ब्रांड बिल्डिंग तक जा ही नहीं रहे, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी आज तो मैं अब जो चीजें देखने में आ रही है कि एक ही स्टोर फ्रंट पे ब्यूटी कैटेगरीज भी सेल हो रही हैं, टॉयज भी सेल हो रहे हैं, स्पोर्ट्स फिटनेस भी सेल हो रहे हैं, ब्यूटी कैटेगरी बस जो भी एक रिव्यूज और रेवेन्यू से रिलेटेड 100 प्रोडक्ट हो गया तो वो उसके ऊपर सेल हो रहे हैं, डेफिनेटली ये तो बिल्कुल बेहतर तरीका नहीं है चीजों को करने के। तो डेफिनेटली एक सबसे बड़ी टिप जो ब्रांड बिल्डिंग की तरफ है मेरे अकॉर्डिंगली कि एक तो एक ही नीश में आपके रिलेटेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपने अगर आज फिटनेस प्रोडक्ट किया है तो नेक्स्ट प्रोडक्ट भी फिटनेस का है, थर्ड प्रोडक्ट फिटनेस का, और डेफिनेटली हर प्रोडक्ट का एक मतलब हो कि एक जर्नी पूरी कंप्लीट हो लोगों की, अगर ये प्रोडक्ट बाय किया तो उनका नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होंगे। अच्छा, अब वो जो आपने रिवर्स इंजीनियरिंग वाली बात की थी ना, मैं उस बात पे आता हूँ। अब हमें यूजुअली ये बहुत हो रहा होता है, खैर और बहुत सारे जूनियर्स ये सवाल भी पूछ रहे होते हैं कि यार मैं हीलियम 10 की एक्सरे चला रहा हूँ और मैंने जब उसको रेवेन्यू से हाई टू लो पे सॉर्ट किया तो 10 ब्रांड्स बैठे हुए ऐसे जिनके पास 1000 से अबव रिव्यूज हैं, बट एक ब्रांड मुझे कोई ऐसा दिख रहा है टॉप 7 में वो 200 रिव्यूज लेके बैठा हुआ है, वो कम्पीट कर रहा है, वो बहुत मतलब उन 1000 अबव रिव्यूज वाले सेलर से कम्पीट कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप मुझे याद है, आप मुझे थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे कि इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी चाहिए, तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग, अब एक सेलर मेरे अगर मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ जो इन्वेस्टमेंट रखता है तो मेरे दिन में यहाँ पे सवाल आएगा कि यार अगर ये सेलर बना रहे हैं इन रिव्यूज के साथ, ठीक है, और वो सिंगल वेरिएशन है, कोई डबल वेरिएशन भी नहीं है कि उसने वेरिएशन स्प्लिट कर दी, तो अब मेरे ध्यान में भी आता है कि अगर ये सेलर बना रहा है तो मैं भी तो बना सकता हूँ, तो इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग किस तरह से करनी चाहिए, उसका क्या प्रोसेस होगा, उसके ऊपर आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये क्या सीन होता है कि 200 रिव्यूज के साथ वो इतने सारे कंपीटिंग ब्रांड्स को कंपीट कर रहा होता है, कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स को। अच्छा, इसका मिनाज देखो, इसमें इस तरह है कि आप अगर एक ब्रांड ऑलरेडी एक ब्रांड बना रहे हैं कम रिव्यूज के साथ प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली मैं अगर उस प्रोडक्ट को कंसिडर करना भी चाहूंगा तो मैं एक ब्रांड में तो बिलीव नहीं करूंगा, एटलीस्ट मुझे अगर 3 to 4 ब्रांड्स ऐसे दिखें जो उस पर कम रिव्यूज के ऊपर बना रहे तो मैं उसको फर्स्ट कंसिडर करूंगा।
देन अगर मुझे ऐसे ब्रांड्स मिल जाते हैं कि 3-4 ब्रांड्स मुझे मिल जाते हैं और कम रिव्यूज के ऊपर अच्छी अच्छे अच्छे अमाउंट जनरेट कर रहे हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो देन मैं फिर क्या करूँगा, फिर उनके रिवर्स इंजीनियरिंग मैंने आपको बताया कि स्टार्ट किया कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स कब स्टार्ट किए, अभी उनकी कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, कितना एक्सटर्नल ट्रैफिक ड्राइव करके लेकर आते नहीं आते। अक्सर हम ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि कुछ लोगों की ऑलरेडी वेबसाइट्स बहुत अच्छी इस्टेब्लिश होती हैं और उनकी वेबसाइट से ट्रैफिक अमेजोन के ऊपर आ रहा होता है, अमेजोन की इटसेल्फ इतनी सेल्स नहीं होती बट एक्सटर्नल ट्रैफिक की सेल्स ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली अब वो भी है, आपको पता चल सकता है कि आप फेसबुक्स पे आपके एड्स चल रहे नहीं चल रहे इस ब्रांड्स के, गूगल एड्स के भी पता चल जाते हैं कि आप गूगल एड्स पे कितना ट्रैफिक आपके आ रहा है, इनकी वेबसाइट्स आप ढूंढने की कोशिश करें कि कहाँ कहाँ इनकी प्रेजेंस है, फिर देन अमेजोन के स्टोर फ्रंट चेक करने की शुरू करें, कहीं देखें कहीं इनिशियल गिव अवेज के प्रोसेस में नहीं, मैं स्पेशली 200 रिव्यूज की बात नहीं कर रहा, कुछ ब्रांड्स ऑलरेडी शुरू में आते ही जो है अच्छा काम करना शुरू कर देते, देन देखें कहीं गिव अवेज के प्रोसेस में तो नहीं है, तो वो चीजें आपको देखना इंपॉर्टेंट है। हमारे बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग का बहुत डिटेल रिसर्च होती है, हम एक ब्रांड्स के ऊपर बहुत डिटेल रिसर्च करते हैं, उसकी ईच एंड एवरीथिंग निकालते हैं कि ब्रांड स्टोरीज क्या है उसकी, किन ईमेल्स के थ्रू वो हमें फॉलो अप करता है, तो हर चीज उसकी बेसिकली उसका प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, देन उनको देखते हैं कि क्या उनकी तरफ से ईमेल सीक्वेंस हमें आती है, तो डेफिनेटली वो सब चीजों पार्ट है, डिटेल चीजें बट रिवर्स इंजीनियरिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए आप कंपटीटर का जो है वो सेलर भी एक जो है सैंपल भी ऑर्डर करते हैं, ताकि वो जिस तरह किस तरह से अपने कंज्यूमर या कस्टमर से रिलेट कर रहा है, उसको ईमेल्स आ रही हैं या कोई उसका इस तरह का थैंक यू पैकेज आ रहा है जिससे वो जो है वो ऑडियंस का डेटा कलेक्ट कर रहा है, या अपनी वेबसाइट से उसकी मतलब उसकी वेबसाइट चेक करते हैं और एड लाइब्रेरी चेक करके आप उसको चेक करें कि वो किस तरह से एक्सटर्नल ट्रैफिक ड्राइव कर रहा है, तो मैं अभी तक जो आपकी बात से ले सकता हूँ। सिर्फ ये चीजें नहीं और भी चीजें, बट कहने का मतलब ये कि उसकी कंप्लीट डिटेल, मतलब मुझे अगर किसी ब्रांड के बारे में जानना है तो मुझे उसकी कंप्लीट डिटेल पता हो कि वो बेसिकली किस तरह वो जहां तक पहुंचा है, मतलब लेट्स सपोज अगर वो हम कंसीडर कर लेंगे वो 200 रिव्यूज पे 60,000 या $50,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो बेसिकली उसकी जर्नी कैसी थी, तो बेसिकली वो हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, वो देखना हमें चेक करना है कि वो बेसिकली उसने किन किन चीजों को इनिशिएट लेते हुए चलाया और क्या क्या चीजें स्टेप्स फॉलो किए, तो बेसिकली हमारे फिर हमारी जर्नी भी आसान हो सकती है कि अगर इसने ये स्टेप्स लिए तो इसका मतलब ये इस नीश में ऑलरेडी प्रूवन स्टेप्स है, तो अगर हम भी इन्हीं स्टेप्स को लेते हुए चले या थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हुए लेकर चले तो डेफिनेटली हमें भी अर्ली सक्सेस मिल सकती है। सही सही, तो मतलब ये है कि किया जा सकता है ऐसे प्रोडक्ट्स को, बट ये कि प्रॉपर प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर एनालिसिस के बाद आप, मैं जो अभी तक समझ सका हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, सेकंड टॉपिक जो हमारा था, जैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन पे तो आपने बात की, ठीक है, इस पे अब मैं आता हूँ थोड़ा सा सोर्सिंग स्टेज पे। लेट्स सपोज सोर्सिंग पे आप हमें क्या गाइड करेंगे, हंटिंग पे तो आपने चले हमें गाइड कर दिया कि यार ये क्राइटेरियाज होने चाहिए, और अगर आप डिफिकल्ट प्रोडक्ट्स पे भी जा रहे हैं तो आपने जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है और कोशिश करें कि ऐसी कैटेगरीज में जाएं जिसमें नॉर्मल सेलर्स, हमारे पाकिस्तानी सेलर्स तो बिल्कुल ही नहीं जा रहे, वो डरते हैं उनके कैटेगरीज पे जाने से। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज बताएं, सोर्सिंग का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ये जो गेटेड कैटेगरीज हैं इनको आप कैसे एनगेट करवाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक में तो अगर आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकमेंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में तो इतने मसले मसाइल हैं, मुझे पेटेंट चेक करवाना है, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं एक प्रोडक्ट की एग्जांपल भी देता हूं आपको। मैं एक प्रोडक्ट कर रहा था अपने क्लाइंट के लिए, हीटर था वो, इंडोर हीटर था, 360 रोटेट करता था, तो वो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा और मतलब बहुत क्रेजी वो भी थे, उसके स्टैट्स भी थे और मेरे क्लाइंट का बजट भी था, बट मैंने जब उसको उसका पेटेंट चेक करवाया तो उसके पेटेंट के मसले आ गए, उसमें दूसरे मसले मसाइल आ गए, तो अब इस तरह के चैलेंजेस को किस तरह से फिर काउंटर किया जाए? जब मैंने उसकी मालूम की कि अगर हम उसकी चाइना में मोल्ड बनवाते हैं और वो सारी चीजें करवाते हैं, चाइना में अपने डिजाइन को जो है वो रजिस्टर करवाते हैं, ट्रेडमार्क करवाते हैं, तो उसमें भी फिर चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, तो इन सारी ये जो सारे चैलेंजेस आएंगे इनको फिर कैसे फेस करेंगे? ओके, देखिए जैसे आप, मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की आपको बात करता हूँ। देखिए हम जो सिर्फ कैटेगरीज में जो नहीं जाते ना, उसकी एक ही रीजन होती है कि हमें कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होंगी, अमेजोन से अप्रूवल लेना पड़ेगा, अमेजोन अप्रूव करता है नहीं करता। तो बेसिकली देखिए, मैंने बताया कि जब तक आप एक चीजों की रिसर्च नहीं करते, अब लेट सपोज आप सिर्फ गेटेड कैटेगरीज में इसलिए नहीं जा रहे कि आपको कुछ सर्टिफिकेशन अपलोड करनी पड़ेगी अमेजोन पे, वो एक रिसर्च है और बहुत बड़ी रिसर्च भी नहीं है। ठीक है, हर बंदा अगर अपनी डिटेल रिसर्च करने बैठे, आपको प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास फॉरम्स हैं, अगर आपको सही रिसोर्स भी नहीं है तो आप फॉरम्स यूज कर सकते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अमेजोन इटसेल्फ बहुत सारी चीजें अमेजोन खुद बताता है, तो आप वहां से जाके चीजें देखें और उसकी लर्निंग स्टार्ट करें कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की आपको कौन कौन सी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और अगर ये भी नहीं है तो आप एटलीस्ट जो अलीबाबा के सप्लायर्स हैं वो ऑलरेडी नो, उनके बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो आप उनसे भी सोर्सिंग करते पूछ सकते हैं कौन कौन सी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होंगे अमेजोन पे अपलोड करने के लिए। तो सिर्फ एक सर्टिफिकेशन का एक पार्ट है
कि जो आप बेसिकली स्पेंड नहीं करना चाहते या जो आप बेसिकली सर्टिफिकेशन वाले पार्ट से गुजरना नहीं चाहते, तो आप उसके लिए पूरी वो नीश और पूरा प्रोडक्ट ही आप जो है वो अपना छोड़ देते हैं, और उसकी जो पूरी कंप्लीट पोटेंशियल जो उसके बाद जो अप्रूवल लेने के बाद उसकी पोटेंशियल है आप वो छोड़ देते हैं। एक छोटी सी रिसर्च के ऊपर आप बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ बहुत बड़ी स्पेस खाली है जो हम लोग वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो हम तो डेफिनेटली मतलब मेरा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि मैं ग्रेडेड कैटेगरीज में करूँ, और उसके रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जितने भी कोर्सेज कराए जाएंगे उसमें सबसे पहले ये बताई जाएगी कि आपने ग्रेडेड कैटेगरीज में नहीं जाना। एग्जैक्टली मतलब हमें 3 साल से जो मतलब एक अमेज़न का आया, एक उस पे काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, बड़ा बड़ी खुशी होती है कि जब लोग पाकिस्तान में ऐसा काम कर रहे होते हैं, बट जब लिमिटेशंस आती हैं काम करने में तो फिर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। वो लिमिटेशंस फिर यही थी कि जी गेटेड कैटेगरीज में काम नहीं करना। जैसे मैं खुद पिछले 3 सालों से मैं खुद भी प्राइवेट लेबल सेलर हूँ, तो मुझे भी यही बताया, हमें भी यही बताया गया कि जी आपने गेटेड कैटेगरीज से काम नहीं करना। लेकिन फिर फ्रस्ट्रेशन भी होती है एक टाइम पे आने के बाद कि यार अगर दूसरे सेलर्स कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अब ये है कि आप कुछ जैसे फेस उठना शुरू हुए हैं जो इस पे आप काम जिन्होंने कहा जिनका एक्सपीरियंस था तो अब इस पे बात कर रहे हैं। होपफुली अब इस तरफ भी थोड़ा सा ट्रेंड जो है ना वो हमारा सेट होगा कि हम गेटेड कैटेगरीज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ओके देखिए जब भी कोर्सेज को डिजाइन होते हैं ना तो देखें वो एक कन्वेंशनल तरीके से डिजाइन होते हैं, और जब एक तो लोगों को थोड़ा सा अभी देखें थोड़ा सा लोगों को फेलियर से बचाने की कोशिश होती है, इस वजह से ना कोर्सेज के अंदर ये चीजें डाली जाती हैं कि आप ग्रेडेड कैटेगरी के अंदर ना जाएं, क्योंकि एक एक हैजल प्रोसेस है। बट मेरी अप्रोच ये है कि आप उस कैटेगरी के बारे में रिसर्च करवाएं कम्प्लीटली, हर जो ग्रेडेड कैटेगरीज है उसके अप्रूवल के लिए एक छोटी सी एक ट्रेनिंग है, वो आप अपनी ट्रेनिंग के पार्ट में अगर आप हम इंक्लूड करें तो डेफिनेटली वो एक छोटी सी रिसर्च है, और वो उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत बड़ा जो आपका जो एक कहे कि वैक्यूम है जिसमें लोग नहीं गए आप उसके अंदर जाके परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये ग्रेडेड कैटेगरी डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। शुरू में हम भी बहुत ज्यादा डरते थे ग्रेडेड कैटेगरीज में, बट डेफिनेटली जब ट्राई की चीजें पता चली चीजें तो देन फिर बहुत ज्यादा एक्सपोजर। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जितने भी सिर्फ पाकिस्तान में कोर्सेज की बात नहीं है, जितने भी अमेज़न के कोर्सेज होते हैं जो बाहर होते हैं वो भी स्टिल जो है अभी तक ये कहते हैं कि ग्रेडेड कैटेगरीज में पहला प्रोडक्ट एटलीस्ट स्टार्ट ना करें। बट मैं कहता हूँ कि आप ग्रेडेड कैटेगरीज में भी स्टार्ट करें, उसकी एक छोटी सी रिसर्च है वो कंप्लीट करें, अपनी सर्टिफिकेशन अपलोड करें, अमेजोन से अप्रूवल लें, और ऐसी मार्केट में जाएं जिसमें ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट ढूंढ ही नहीं रहा। अगर आप कंपेयर करेंगे देखें अमेजोन के पास आपका स्टूल या आपका सारे डेटा आपके पास आ जाते हैं, अगर आप कंपेयर करें कि कौन से इस कैटेगरी में इस नीच में कितने सेलर्स न्यू आते जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा जो ग्रेडेड कैटेगरीज में उसमें लोग बहुत कम आ रहे हैं, कम इंटर होते हैं, आपके कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स आपको कम मिलते हैं, इतने एग्रेसिव सेलर्स आपको वहां नहीं मिलते हैं। तो डेफिनेटली एक ऐसा वैक्यूम है कि आपको वो फिल करना चाहिए और उसके ऊपर रिसर्च करके प्रॉपर रिसर्च करके एक सर्टिफिकेशन का पार्ट है वो उसको आप उससे वहां से गुजारें एंड देन वो प्रॉफिट्स और रेवेन्यू जनरेट करें जो उन कैटेगरीज में है। थैंक यू उस्मान, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी हमें। अच्छा उस्मान, अब ये जैसे अभी तक हमारी जो बात हो रही थी सारी हंटिंग के ऊपर, प्रोडक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड और ये सारी बात हो रही थी, सोर्सिंग के ऊपर आप हमें क्या टिप्स देना चाहेंगे? मतलब सोर्सिंग अब जो मैं आपको बताऊं जो हमारी नॉर्मल सोर्सिंग हो रही होती है, मतलब पिछले 3 साल से मैं भी इंडस्ट्री में हूँ, 4 साल से आप भी इंडस्ट्री में हैं, आप भी ये देख रहे होंगे कि एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जी सप्लायर को कॉन्टैक्ट किया, 5 सप्लायर को 10 सप्लायर को कॉन्टैक्ट किया, उनसे कोटेशन मंगाई जिनकी सबसे बेस्ट, वो नॉर्मल सैंपल ही मंगाई और वो थोड़ी बहुत वो की, थोड़ी बहुत नेगोशिएशन की और जो है उस पर काम स्टार्ट कर दिया, जिसने अच्छी कोटेशन दी, अच्छे सारे हमें वो दिए, क्वालिटी सैंपल दिए, उस सब ने काम स्टार्ट कर दिया। इससे ज्यादा इससे अगला स्टेप क्या होगा सोर्सिंग का, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इससे सोर्सिंग का? देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए सोर्सिंग में सभी परेशान है, और मैं आपको बताऊँ अमेजोन पे सबसे जो डिफिकल्ट स्किल है या जो कहें कि जो एक बिजनेस की बुनियाद है वो सोर्सिंग ही है प्राइवेट लेवल में। अगर आपको एक अच्छा हंटेड प्रोडक्ट मिल भी जाए, लेट सपोज आपको हर तरीके से बेहतर है, आपको एक गोल्डन प्रोडक्ट मिल गया लेट सपोज, बट स्टिल आपको अगर उसकी अच्छी सोर्सिंग नहीं मिली तो आई वुड रेकमेंड कि आपको उस प्रोडक्ट की तरफ जाना ही चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली बिजनेस के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट्स के लिए कर रहे हैं। अर्निंग के लिए आप 20-25% प्रॉफिट मार्जिन के अंदर तो प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे, और तो उसकी तो बेसिकली बेस ही खराब होगी एक अगर अच्छा प्रोडक्ट मिल भी गया। उस्मान आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है। ओके अब आ रही है आपको आवाज? नहीं थोड़ी सी स्लो हो गई है। ओके
ओके अब आ रही है आपको आवाज? नहीं आवाज आ रही है आपकी, लेकिन वो जैसे पहले आ रही थी ना, एक वो बहुत स्लो हो गई है मेरे ख्याल में। आप दोबारा रिकनेक्ट करेंगे ना तो वो शायद सही हो जाए। ओके कर लेगा। अब बताएं मिनाज आपको आवाज आ रही है? नहीं, अब तो और हल्की हो गई है अब आ रही है? जी, अब आ रही है। ओके तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आपको पास एक अच्छा 100 प्रोडक्ट आपको मिल भी जाए और आपके पास एक एक प्रॉफिट मार्जिन इस तरह हो ही ना प्रोडक्ट के अंदर, कि मेरे अकॉर्डिंगली आपके पास 35 to 45% प्रॉफिट मार्जिन होने ही चाहिए, ग्रॉस मार्जिन, अगर आपने नहीं कहीं अच्छे उस्मान, प्रोडक्ट आपकी बेचे। आवाज फिर से प्रॉब्लम कर रही है मेरे ख्याल में। आप लीव करके दोबारा उसको जो वो कनेक्ट करेंगे ना तो वो तब सही होगी, क्योंकि ओके मैं दोबारा अक्सर कनेक्ट जूम पे करता इशू आ जाता है। हूँ। ओके ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है ओके फिर, मैं अब आवाज आ रही है आपको? ये अब सही आवाज आ रही है। ओके तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि आपके पास अगर कोई अच्छा 100 प्रोडक्ट भी हो तो आपके पास अगर इनफ प्रॉफिट मार्जिन नहीं है तो आपको तो उस प्रोडक्ट को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपके पास किसी भी प्रोडक्ट में 35 to 45% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नहीं है तो आपको डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो सोर्सिंग, या सोर्सिंग जो है वो बहुत एक ऐसा पार्ट है जो एवरग्रीन बिजनेस जिसमें लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बट देखिए मेरे पास देखिए इसके बहुत सारे डिफरेंट सोल्यूशन हो सकते हैं आपकी, कि सप्लायर से आपने किस तरह बात करनी है, सप्लायर से किस तरह आपने कम्युनिकेट करना है कि आपको अच्छे मार्जिन आपको मिल सके। बट इसके देखिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी चीजें देखें तो आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो हमारी जो कॉमन प्रैक्टिस है और जो हमारे लिए वर्क की भी और हम ऑलरेडी करते हैं, तो मैं आपके साथ बेसिकली वो शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए सप्लायर्स को ऑलरेडी पता है कि आप जब आप उसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, सप्लायर्स को पता है आपने ऑलरेडी अमेजोन पे बिजनेस करना है, एंड तो वो ऑलरेडी जानते हैं कि आपको उन्होंने क्या प्रॉफिट्स आपको बेसिकली क्या मार्जिन उन्होंने आपको बेसिकली किस प्राइस पे आपको प्रोडक्ट कोट करना है, तो आप उतना बेसिकली मार्जिन आप जनरेट नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम आपके पास 30% 33-34% प्रॉफिट मार्जिन आएंगे, वो भी हार्डली आप सेलिंग प्राइस अपनी हाई रखने का कंपेटिटर सेल कर दो उस प्राइस में, क्योंकि इनिशियली तो आप थोड़ा लो प्राइस में सेल करते हैं तो आपको बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन उससे भी कैलकुलेट करना है। तो मेरी ये एडवाइस ये होती है कि आप सप्लायर से बेसिकली थोड़ा ऐसा रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करें कि जिसपे आप उसको बड़ा ऑर्डर प्लेस करें। देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, आप प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं 200, 500, 1000 पीसेस से, ठीक है। अगर आपने प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट करना है तो आई वुड रेकमेंड, अगर आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया तो आप उस पर एग्रेसिव ही जाए। 200, 500, 1000 पीसेस आप उसकी बेस ही खराब कर रहे हैं प्राइवेट लेबल बिजनेस की। और उसकी रीजन ये है कि आप जब उसकी 200, 500 से आप स्टार्ट करेंगे तो आप जो है उसको कुछ टाइम बाद आपका आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, फिर देन आपकी न्यू शिपमेंट नहीं आ सकेगी, तो आपकी प्रोडक्ट की हिस्ट्री भी खराब होगी, उसका BSR इफेक्ट होगा, आपको दोबारा रैंकिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल ज्यादा नुकसान बिल्कुल होगा। तो जब आपको अपनी रिसर्च, आप पहले रिसर्च अपनी कंप्लीट करें और जब आपका रिसर्च का पार्ट, डिटेल रिसर्च का पार्ट आपको एक अप्रूवल दे दे कि अब मैं रेडी हूँ इस प्रोडक्ट को करने के लिए, तो देन आप प्रोडक्ट स्टार्ट करें अपने 3000 यूनिट से। तो मेरी तो हमेशा अप्रोच होती है एटलीस्ट मिनिमम आप 3000 यूनिट से स्टार्ट करें ताकि आपको प्रॉफिट मार्जिन आपको अच्छे दे सके सप्लायर, ताकि आप उसके एक बड़ा ऑर्डर प्लेस कर सके, आप उससे अप्रोच इस तरह करें कि मैं बहुत बड़ा सेलर हूँ अमेजोन पे और मुझे ऑलरेडी अमेजोन की बिजनेस से बहुत ज्यादा ट्रस्ट है और मैं आपको ऑर्डर ही ऑलरेडी बड़ा दे रहा हूँ, एक बड़ी कंपनी को आप ऑर्डर दे रहे हैं, आप उनको इस तरह की आप चीजें उसको करें, क्योंकि पहला ऑर्डर ही जब आप उसको देंगे तो डेफिनेटली, और जब आपकी रिसर्च अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपके सप्लायर से आपको प्रोडक्ट इटसेल्फ चाहिए क्या, किस तरह आपने उससे बात करनी है, क्या आपको प्रोडक्ट की डिटेल क्या चाहिए, क्या आपने टेक्निकलिटीज प्रोडक्ट में देखनी, तो वो आप डेफिनेटली आप जब इससे शेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्जिन मिलते हैं। तो डेफिनेटली नंबर 1 कि एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करें, नंबर 2 ये कि आप इससे बात करें एज अ क्रेडिट की, और मैं आपको बता दूं क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको प्रॉब्लम आती है वो कैश फ्लोज में भी आती है, बिल्कुल और बिल्कुल लोगों के पास बेसिकली $15,000 है, $20,000 है, $25,000 है, तो जब बड़ा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली कैश फ्लो से प्रॉब्लम आएगा, तो ये रीजन बिल्कुल हो सकता है कि बड़ा ऑर्डर प्लेस करें। तो आपने करना ये है कि आप सप्लायर से ये बात करें कि आप उसको एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं, बट
आप जो है इसका जो सामान है तो 30% पेमेंट या 50% पेमेंट आप उसको इनिशियली करेंगे, देन 50% पेमेंट आप जो है उसको पे आउट्स के बाद करेंगे, या 1 मंथ के बाद करेंगे, 20-25-30 डेज के बाद करेंगे। तो उससे होता यह है कि सप्लायर बड़ा भी प्लेस कर सकता हूँ, सप्लायर बड़ा ऑर्डर आप। सॉरी मैं इसमें आपको थोड़ा सा इस पे एक बात पूछना चाह रहा था। अब जैसे आपने एक बात की कि हम सप्लायर से वाली बात कर सकते हैं कि अमेज़न का फर्स्ट पे आउट आएगा तो हम करेंगे, अब हम सप्लायर के साथ काम ही फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सप्लायर हम पे कैसे ट्रस्ट करेगा कि मतलब ऑब्वियसली ना, या तो हमारे बीच में कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, कोई लीगल एंटिटी इन्वॉल्व हो बीच में हमारी, मतलब एक सप्लायर मुझ पर क्यों ट्रस्ट करेगा कि वो अगर मैं उससे 2000 यूनिट की इन्वेंट्री उठा रहा हूँ और मैं उसको इनिशियली 30% डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, उसमें उससे वाली बात कर रहा हूँ कि जी मैं अपनी इन्वेंट्री मेरी बिकेगी जो मेरे अमेजोन से पे आउट आते जाएंगे तो मैं आपका जो है वो पेमेंट आपको करता रहूंगा तो आपका डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो वो एक सप्लायर मुझे क्यों ये अपॉर्चुनिटी देगा? अच्छा देखिए सप्लायर्स को, देखिए मैं आपको बताऊँ सप्लायर्स क्यों देखें। देखिए आप इनिशियली अगर सप्लायर्स से अप्रोच आपकी ये होगी कि आप एक अच्छी पेमेंट टर्म्स ऑफर करते हैं तो वो यकीनन डेफिनेटली आपको कह देगा नहीं हम कोई अच्छी पेमेंट टर्म्स ऑफर नहीं करते, हम कंप्लीटली 70% आपसे एडवांस पेमेंट लेंगे, 20% एडवांस पेमेंट लेंगे, देन 70% जब आपकी प्रोडक्शन रेडी हो जाएगी जब देंगे। तो डेफिनेटली अगर आपकी अप्रोच सप्लायर से इस तरह कॉन्टेक्ट करने की होगी तो डेफिनेटली उनका आंसर सिंपल है। बट अगर आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी, देखिए हमारा एक कंप्लीट एक वर्कशॉप होती है जिसको कंप्लीटली दिखाते हैं, और हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके पास हमारे अली बाबा की सप्लायर्स हैं जिनको हमारी पेमेंट टर्म्स ऐसी डिसाइड हुई है कि हम उनको 50% पेमेंट इनिशियली करते हैं एंड 50% पेमेंट 1 मंथ बात करते हैं, अमेज़न पे आउट्स की भी 1 मंथ बात करें ताकि आपके इनफ प्रोडक्ट सेल हो चुके हो, आपके अमेज़न से कुछ पे आउट आ चुका हो, उसी को कैश रोल करना शुरू कर दें। मैं बताऊँ सप्लायर आपको क्यों, सप्लायर आपको क्यों देगा, सप्लायर्स को जब आप के पास कैश 300 यूनिट्स का है, 500 यूनिट्स का है, तो डेफिनेटली सप्लायर्स की वही जो है आपके वही प्राइसेस आपको कोट करेंगे। तो आप सप्लायर को कहेंगे, सप्लायर के दो फायदे, एक तो आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करें, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आप उसके थ्रू करें, देन आप उनको ये बताएं कि मैं आपको बिगर ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो डेफिनेटली उसको 1 मंथ बाद ही पैसे मिलने, बट उसके लिए ऑर्डर बड़ा प्लेस हो चुका है ऑलरेडी, तो वो इन द एंड वो आपको भी फायदा है, वो उसके लिए भी फायदा है। तो इस तरह आपका कैश फ्लो मेंटेन होता रहता है, एटलीस्ट आप 30-70 भी करें, 70% पेमेंट कर रहा हूँ, 30% रिमेनिंग पेमेंट आपके 1 मंथ बाद करूंगा, तो इस तरह आपका कैश फ्लो ठीक होगा। कुछ सप्लायर्स का 50-50 पेमेंट टर्म्स की बात करता हूँ, तो ये आप मुझे बताएं कि जो बड़े ब्रांड, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो बड़े ब्रांड्स हैं, मैंने ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स के साथ काम किए हैं, तो उनकी पेमेंट टर्म्स ईजी होती है। जब वो एक बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, कंटेनर्स ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो वो इतना बड़ा कैश नहीं देते सप्लायर्स को। हम लोग क्योंकि हमने देखे पाकिस्तान में, हमने बड़े ब्रांड्स को कम करते हुए देखा नहीं है, उनका उनके एसओपीज देखे नहीं है, उनका स्ट्रक्चर देखा नहीं, इसलिए हमें इन चीजों पे डाउट्स है। जब तक किसी ने अप्रोच की नहीं इस तरह अकॉर्डिंगली, तो आपको डेफिनेटली आपको मुश्किल होगी, डेफिनेटली मुश्किल है किसी सप्लायर को राजी करना 50%, 70%, 30%, बट डेफिनेटली बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, आप राजी कर सकते हैं। पहली इन्वेंट्री भी नहीं, आप पहली दूसरी इन्वेंट्री ऑर्डर करें सप्लायर से, थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप हो जाए, देन थर्ड फोर्थ इन्वेंट्री में आप ये सब चीजें कर सकते हैं। और हम, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी जो ब्रांड्स के साथ काम किया है मैंने, वो ऑलरेडी उनकी पेमेंट टर्म्स इस तरह थी कि वो सप्लायर्स को ऑर्डर ही बहुत बड़ा प्लेस करते थे, तो उनको पास कॉस्ट भी बहुत जबरदस्त मिलती थी उनको, जिसपे प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत जबरदस्त होते थे, और उनके विन विन सिचुएशन दोनों एंड से ही होती थी, क्योंकि सप्लायर्स को बड़ा ऑर्डर चाहिए होता था, वो उनका कैश फ्लो उनको 1 मंथ बाद उनकी जो हाफ पेमेंट हो जाती थी या 30% पेमेंट हो जाती थी, और आपके पास इनफ इन्वेंट्री होती थी आउट ऑफ स्टॉक ना जाने के लिए। आधे से ज्यादा सेलर्स तो जो 500,000 इन्वेंट्रीज में मूव कर रहे होते हैं वो तो क्वार्टर फोर में ऑटो स्टॉक हो जाते हैं। जब आपका अमाउंट जनरेट करने का टाइम होता है तो आपकी प्लानिंग ही नहीं होती कि आपने किसका करना, और डेफिनेटली कैश प्लानिंग तो यहाँ पे शुरू से ही नहीं होती है। इवन मैंने यहाँ पे 3 साल से मैंने आपने भी कंपनीज में काम किया, मैंने भी कंपनीज में काम किया, तो कैश फ्लो मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है और एक बजटिंग फॉरकास्टिंग रिपोर्ट बनाना और अपने गोल सेट करना, टारगेट सेट करना, वो सारी चीज़ें तो खैर पढ़ाई नहीं जाती हैं। तो वो तो मैं आपको बताऊँ, 80% जो पीएल हो इसका खोर है उनको मालूम भी नहीं कि ये चीज़ें होती क्या है, 20% लोगों को पता है सिर्फ। अच्छा मैं उस वाले पॉइंट पे आना चाह रहा था कि वो जैसे आपने सोर्सिंग वाली बात बताई, अब ये ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के इनमें नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के लिए फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे ये वाली बात, तो अब मुझे एक बात बताएं कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे साइन होते हैं वो अली बाबा के थ्रू ही हो रहे होते हैं, अली बाबा ही इसमें इन्वॉल्व होता है, या कोई अली बाबा या 16 नंबर 8 को छोड़कर और भी कोई तरीके हैं, और भी डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें कर सकते हैं? ऑब्वियसली अगर मैं सप्लायर के साथ काम करने जा रहा हूँ तो मेरी अप्रोच तो यही होगी, जो मेरी फर्स्ट इन्वेंट्री हो रही है वो एक बड़ा ऑर्डर प्लेस हो, ठीक है, मैं चले उसका 50% भी पे करने को रेडी।
के लिए तैयार हूँ कि मैं 50% पे कर दूँ उसको, और 50% मैं उसको एक महीने के बाद जब हमारे पे आउट आना शुरू होंगे इन्वेंट्री पहुंचने के बाद मैं उसको तब पे करना शुरू कर दूँ, तो इसकी लीगलिटीज और इसकी सारी एसओपीज और वो सारी कैसे मैनेज होगी? ओके देखिए मैं बताता हूँ, आप जब आपके सप्लायर से आपके अच्छे रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं तो सप्लायर डेफिनेटली अलीबाबा के आउटसाइड भी आपसे आपसे पेमेंट्स जो है वो रिसीव और रिसीव वगैरह करते हैं। बट इनिशियली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आप अभी इनिशियली यहाँ पे न्यू सेलर्स होते हैं ज्यादातर, तो वो अलीबाबा के साइड में ना ही जाके पेमेंट्स टर्म्स सिलेक्ट करें, वो अलीबाबा के थ्रू ही करें और ट्रेड इंश्योरेंस लिंक के थ्रू ही करें, वो सेफेस्ट मेथड भी है और लोगों से आसानी भी होती है और आपकी अमाउंट सिक्योर भी होती है। डेफिनेटली लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है अलीबाबा के थ्रू रहकर भी आप उनसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। इवन के आप अगर अमेज़न बिजनेस आप विजिट ही करें तो डेफिनेटली आप सप्लायर को विजिट भी करें जाकर, आप अच्छी सोर्सिंग ही, ये नॉर्म्स में आप जितने भी बड़े सोर्सिंग एक्सपर्ट्स देखेंगे तो वो आपको यही एडवाइस करेंगे कि हम जिन कंपनी से थे उनके विजिट्स भी थे चाइना में जाके, और चाइना में जाके सप्लायर्स से मिलते भी थे, तो आप ऐसा इसको बिजनेस को ऐसा इन्वेस्टमेंट पार्ट ही समझे। चाइना का विजिट आपको कितना कॉस्ट कर देगा, जितना कॉस्ट आप प्राइवेट लेवल में कर देते हैं पीपीसी एडवर्टाइजिंग्स के ऊपर, तो उससे तो कम ही कॉस्ट करेगा आपके ऊपर, मैक्सिमम 3-4 लाख ऐसे ही है, 5 लाख है इसको। बट आप एक जाके ट्रेन सेट कर देते हैं, जब आप सप्लायर से इटसेल्फ जाके मिलना शुरू मिल के आ जाते हैं तो डेफिनेटली उनका भी ट्रस्ट डेवलप होता है, आप उनको अच्छा एक्सपोजर भी जाके दिखा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये सब चीजें तो डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, और ये एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। मुझे लगता है कि आप जाके चाइना विजिट करें और उसका पर्पस ही यही हो कि आप अच्छी इजी पेमेंट टर्म्स आप सप्लायर से डिसाइड करके आएंगे, और यकीन माने डेफिनेटली होती है पेमेंट टर्म्स। आप जो बड़े ब्रांड्स देख रहे हैं वो इतना बड़ा कैश डायरेक्टली नहीं देते इतने बड़े ऑर्डर्स के ऊपर, तो बड़े ब्रांड्स हैं वो नहीं देते, वो इजी पेमेंट टर्म्स पे काम करते हैं। तो अगर आप लेट्स सपोज आप छोटे सेलर्स हैं तो एटलीस्ट आप 70-30 पेमेंट टर्म्स पे आप सप्लायर को राजी करने की कोशिश करें, 50-50 पेमेंट नहीं होंगे अगर तो 70-30 पे राजी करने की कोशिश करें, और डेफिनेटली आपकी अप्रोच बहुत मैटर करती है। और थर्ड बात ये कि हम जितने भी हम अपनी सोर्सिंग करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊं कि हम वैसे हमारे टीम में से जो भी है हमारे पास इंटरप्रेटर्स हैं और हम चाइनीज इंटरप्रेटर्स हमारे पास हैं जो चाइनीज एक्सपर्ट्स हैं, हमें बेसिकली उन्हीं को ही आगे करते हैं अपनी इंटरप्रेशन करने के लिए, तो क्योंकि वो ऑलरेडी उनके कल्चर्स को बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं, लोगों की साइकी को डिफरेंट जानते हैं। आप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी से आप बिजनेस कर रहे हो और किसी के थ्रू आप पेमेंट ले रहे हो तो डेफिनेटली उनके कल्चर के बारे में जानना, उनकी डिटेल जानना, उनकी साइकी जानना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम चाइनीज को ही इन्वॉल्व करते हैं चाइनीज सप्लायर से बात करने के लिए। तो आप इनिशियली छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आप फाइवर पे ही आप किसी चाइनीज एजेंट को या इसको आप हायर करें और इंटरप्रेटर को ही हायर करें एटलीस्ट इनिशियली, और उसको बोलें कि आपके अकॉर्डिंग आपके बिहाफ पे कम्युनिकेट कर सके और पेमेंट टर्म्स डिसाइड करने की कोशिश करें, या अच्छी सोर्सिंग करने की, पेमेंट टर्म्स भी नहीं जो आप 28% प्रॉफिट मार्जिन पे कर रहे हैं वो हो सकता है आपके लिए वो इनिशियली 25% प्रॉफिट मार्जिन पे ही डिसाइड कर ले, बिकॉज दे नो द साइकी और वहाँ कल्चर को वहां जानते हैं। इसकी एग्जाम्पल सिंपल है कि अगर मैं पाकिस्तान में सोर्स करने की कोशिश करूँ तो मैं डेफिनेटली बेहतर कर सकता हूँ, बट इनिशियली यहाँ पे आके कोई चाइनीज जहाँ पे पाकिस्तान से करने की कोशिश करे तो डेफिनेटली उसके लिए मुश्किल है उसको राजी करना। तो मुझे पता है ऑलरेडी लोग किस तरह से होते हैं पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली चाइना में चाइनीज को ज्यादा पता है, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ था चाइना में जाके सब के लोगों की क्या साइकी है और वो किस तरह हम उनको राजी कर सकते हैं अपनी कंडीशंस के ऊपर। तो डेफिनेटली ये एक तो नंबर वन कि चाइनीज आप एजेंट्स को हायर करें इंटरप्रेशन को, इजी पेमेंट टर्म्स के ऊपर काम करें, ये आपको बहुत आपको बिजनेस में इन रखेगा और आप बड़े ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकेंगे, आपका कैश फ्लो भी मेंटेन रहेगा, ये आपको हमेशा डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा देता है आप इजी पेमेंट टर्म्स।